बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि बीजर जो मुल्तान की मेरा लिस्ट है बीएस के प्रोग्राम्स के लिए कब लगेंगी, उस हवाले से स्टूडेंट्स क्लियर डिटेल आज की वीडियो में आपसे शेयर कर देता हूँ। लेकिन वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम एडमिशन की मेरा लिस्टों की स्कॉलरशिप की अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है बीजर जो मुल्तान में एडमिशन 2023 का आगाज हो चुका है, कोटा बेस पे, ओपन मेरिट पे, स्पोर्ट्स बेस पे, उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की लास्ट डेट बीएस के प्रोग्राम के लिए 28 जुलाई 2023 है। अभी आपके पास जो है वो 20-21 दिन का टाइम है, आप लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें जो एडमिशन लेना चाहते हैं। जब टाइम गुजर चुका होता है, जब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तब स्टूडेंट्स आके जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चला हमने अप्लाई करना था, अब हम क्या करें। जब एक बार एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं होगा, फिर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। अभी आपके पास चांस है, अभी आप अप्लाई कर लें, अभी आपके पास बहुत जो है इंपॉर्टेंट टाइम है 20-21 दिन का, आप लाजमी तौर पर अप्लाई कर लें जिसके बारे में आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेरा लिस्टों की। स्टूडेंट जब इसके एडमिशन क्लोज होते हैं, एडमिशन क्लोज होने में 3-4 दिन का टाइम रह जाएगा, उस वक्त इसका मेरा लिस्टों का शेड्यूल आ जाएगा। जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल है मेरा लिस्टों का वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमेशा मॉर्निंग प्रोग्राम्स की मेरा लिस्टें लगती है, मॉर्निंग प्रोग्राम्स की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सीटें फिल होती हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स वो इवनिंग प्रोग्राम्स की तरफ जो है वो मेरा लिस्टें जाती हैं और इवनिंग प्रोग्राम्स की मेरा लिस्टें लगती हैं। पहले मॉर्निंग प्रोग्राम्स की मेरा लिस्टें लगेंगी 28 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। इंशाल्लाह अगस्त के मंथ में एडमिशन क्लोज होने के फौरन बाद 1-2 दिन ही बाद आपकी पहली मेरा लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी, आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आपने वेबसाइट से जाके जो मेरा लिस्ट है वो चेक करना होगी, कोई फिजिकल जाके आपने चेक नहीं करना, आपने वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन चेक करना, जहाँ भी आपने अप्लाई किया होगा उधर जाके आपने अप्लाई किया जो है वो अपनी मेरा लिस्ट में नाम चेक करना होगा। 28 जुलाई लास्ट डेट है, तो मे भी 30 जुलाई को भी पहली मेरा लिस्ट लगती है, नहीं तो आप जो है 1 अगस्त को तो मेरा लिस्ट लगेगी। इतना ज्यादा जो है वो टाइम नहीं देते, 1-2 दिन का टाइम होगा, मेरे एडमिशन क्लोज होने के फौरन बाद ही आपकी मेरा लिस्ट का शेड्यूल जो है वो आ भी जाएगा और मेरा लिस्ट लगना स्टार्ट भी हो जाएंगी। तमाम अपडेट्स, तमाम मेरा लिस्ट जब भी लगती है इस चैनल पे मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्लोजिंग मेरा भी मैं हर मेरा लिस्ट का शेयर करता हूँ, वो मैं तमाम अपडेट्स में आपसे इसी चैनल पर शेयर करूंगा। चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहें, तमाम अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इनशाला बहुत जल्द शेड्यूल भी आ जाएगा एडमिशन क्लोज होने के 24-25 जुलाई तक, इनशाला जो मेरा लिस्ट का शेड्यूल है वो आ जाएगा, वो भी मैं आपसे जो है इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा। चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहें। इसके हवाले से अगर आपका मजीद कोई सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके अलावा मजीद अपडेट्स के लिए हमारे जो सब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मजे मजे के ब्लॉग देखने के लिए हमारे ब्लॉगिंग चैनल को जाकर विजिट करें, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।